पाजी बढ़िया बढ़िया पाजी, आप बताओ। आगे 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 हो गई, हमारी भी स्टार्ट हो गई। चार पाजी की भी स्ट्रीम यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो गाइस पाजी बोल रहे हैं सबको हेलो। आज तो पाजी कितने तेरे दिन बाद वो भी ढुलका टिप, वो भी फाइनल में तो बूम बाम माजी फिर होने वाला है आज तो। पाजी आज बिल्कुल धूम धड़ाम होने वाला है और आप ये समझ लो बिल्कुल ही खतरनाक वाला गेम प्ले आज देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी बेहतरीन बेहतरीन टीम जो है वो हम लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। सही बात पाजी, अभी आईडी पासवर्ड भी आ चुका है तो फिर ज्वाइन कर लेते पाजी। ठीक है पाजी, कोई बात नहीं, बिल्कुल तो फटाफट से जल्दी ज्वाइन चलते हैं अंदर से ज्वाइन करते हैं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं रूम के अंदर और बाकी सारी बातें वहां पे करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन सी टीमें हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं। तो चले पाजी। हाँ जी हाँ जी पाजी, आ जाओ, मैं भी रूम में जा रहा। ओके तो गाइस लेट्स गो टू द रूम, कम ऑन। पाजी कैसा लग रहा है वैसे आपको आज? पाजी आज इतने दिन बाद आज ड्यूल कास्टिंग कर ले, फुल लॉन बूम बाम होने वाली है आज तो, वो भी फाइनल्स में। देखा गाइस आप लोगों ने, यहाँ पे होने वाला है बूम बाम, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो एक मिनट मैं दोबारा से आने की कोशिश करता हूँ अंदर, क्योंकि शायद मैं थोड़ा सा अभी एंटर नहीं हो पाया हूँ और यहाँ पे कॉम्बैट के अंदर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की। तो एक मिनट का टाइम दीजिए गाइस, थोड़ा सा पासवर्ड वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो एक मिनट का टाइम मैं आपसे लूंगा, फिर मैं आपको चलेंगे हम लोग फटाफट से रूम के अंदर। और पाजी तो हमारे पहुंच गए हैं, बस हम भी पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। पाजी हम आपका वेट कर रहे हैं, कते आ जाओ पाजी, हम आपके साथ ही हैं, टेंशन मत लो, लो आ गए हम भी। तो गाइस वी आर मी कैप्टन मैकलेन एंड बर्निंग आउट के यहाँ पे एटम पाजी 20 पाजी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो पाजी फटाफट से क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, एक बढ़िया सा कल हो जाए। पाजी आज जो मैं तो देखने वाला पाजी, जो टॉप की टीम है ना वो आज हमारे साथ यहाँ पे देखने को मिल रही है आज, कतई बोलते हैं ना कि आज कतई जर वाला एक्साइटिंग है, क्योंकि आज आप बता नहीं सकते कि कौन सी टीम हमें जो शुरू में काफी फाइट दिखा सकते हैं कौन सी नहीं, क्योंकि जो टीमें अब यहाँ पे पहुंची ना लास्ट में पाजी कतई जर वाले कुछ भी हमें होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पाजी ये तो मैं भी देखना चाहूंगा और बहुत ही ज्यादा बेहद, मतलब टीमें जो है ना वो कुछ ऐसी हैं कि आज आप ये समझ लो के मतलब बूम बिल्कुल बैंग बैंग सिचुएशन दिखने वाली है, और एंड के सर्कल में तो मतलब ऐसा धूम धड़ाका होगा ना कि पटाखे शटाखे सब छूट जाएंगे यहाँ पे। सही बात पाजी, पैसे हम गाइस ये बता देते कि ये जो फाइनल्स हो रहा है ना ये 2 दिन चलेगा, आज आज 3 मैचेस होंगे, कल 3 मैचेस होंगे, तो आज आपको मतलब आज नहीं फाइनल दिखने को मिल जाए, कल भी वो एक्साइटमेंट होगी, वो भी कल भी दिखेगी मिलने की, तो तैयार है ना कल भी, क्योंकि कल भी बूम बाम होने वाला है जैसे आज। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे पाजी मैं आया 2 सेकंड में रूम ज्वाइन, मेरे को भी याद है मैं गेम की साउंड ना कम कर देता, वो ज्यादा आ जाती है वरना। स्पेक्टेट वालों को दिखाओ बी एल एक्सम टाइगर। ओके ये तो बी एल, आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे बी एल एक्सम के सुकाफा बैठे हुए हैं और बैठे हुए हमारे साथ बर्निंग आउट पाजी, थोड़े से बाहर चले गए लेकिन आते होंगे दोबारा, और मैं हूँ यहाँ पे आपका दोस्त आपका होस्ट कैप्टन मैकलेन। तो टाइगर ब्रदर वेलकम टू द स्ट्रीम। गेम की साउंड कम करनी है तो क्योंकि ज्यादा हो जाती है ना कभी कभी वो, फिर साउंड नहीं आती, तो आप भी देख लो। बात नहीं पाजी, यू रॉक पाजी, आज तो देखो बिल्कुल ही बेहतरीन वाला गेम प्ले पाजी, आज तो एक्साइटमेंट के बारे में ये नहीं, और अभी कब हमें वो स्टार्ट होगा रूम, क्योंकि इतने खतरनाक मैच होने वाले हैं ना, तो जस्ट वेट कर रहे कि कब स्टार्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, आई एम ऑन, मैं तो बिल्कुल चाह ही रहा हूँ कि गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिले बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला, और एक्शन पैक तो ऐसा होगा कि मतलब बिल्कुल पटाखे छूटने वाले हैं यहाँ पे। और उसके लिए ही फटाफट तो हम लोग एक काम करते हैं कि अपने जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स हैं उनको वेट नहीं कराते हैं और उनको फटाफट से यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन सी टीमें आज हमारे साथ यहाँ पे खेलने वाली। सही बात पाजी, क्योंकि काफी जो है सोच रहे होंगे कि आज जो है कौन कौन सी टीम है टॉप में आई है, तो हम बता देते कि कौन कौन सी टीम आज हमारे साथ है। बिल्कुल, तो 15 तक यहाँ पे मैं बताऊंगा, 15-16 तक मैं बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे 15-16 के बाद यहाँ पे हमारे पाजी बताएंगे आप लोगों को।
तो दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे BLHD Esports Present Battle Royale सीजन 4 के फिनाले में। और ये होने वाला है बहुत ही बेहतरीन जो है एक्शन पैक यहाँ पे शोडाउन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग हमेशा जानते हैं और हमेशा आपको बताते भी हैं कि 5 स्लॉट से यहाँ पे शुरू होंगी टीम्स, और यहाँ पे आपको 5 से स्लॉट से लेके और बाकी की पूरी यहाँ पे जाने वाली है 24 स्लॉट तक। तो इसमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो 5 नंबर पे हमें देखने वाली एम्पल नाइट्स, और 6 पे दिखाई देगी LOC XM, 7 पे है थीव्स की टीम, 8 पे है यहाँ पे OST मैन ई स्पोर्ट्स, और 9 पे यहाँ पे फिनोमल ई स्पोर्ट्स, 10 पे है यहाँ पे स्टोन ई स्पोर्ट्स, 11 पे है यहाँ पे नॉकआउट एग्जीक्यूट, 12 पे है यहाँ पे रेनबो, 13 पे है यहाँ पे ब्रदर ऑफ सिक्किम, 14 पे है यहाँ पे एम्पायर ई स्पोर्ट्स, और 15 पे है यहाँ पे स्पार्क। और यहाँ पे 16 पे देखो तो 16 स्लॉट पे है यहाँ पे इसके ई स्पोर्ट्स की टीम, 17 स्लॉट पे है रिंगार्ड की टीम, और 18 स्लॉट पे है JSNX ली ऑफिशियल की टीम, और स्लॉट नंबर 90 पे TWM की टीम, और स्लॉट नंबर 20 पे NER की टीम, और स्लॉट नंबर 21 पे 628 की टीम, और स्लॉट नंबर 22 पे है फ्यूजन एक्स की टीम, और स्लॉट नंबर 23 पे यहाँ पे जेंडर स्पिरिट्स ओमेगा की टीम, और स्लॉट नंबर 24 पे पैनिक एग्जाम की टीम, और स्लॉट नंबर 25 जब वो यहाँ पे लॉक है वहां पे आज कोई बैठ नहीं सकता। तो गाइस ये रही जो आज की टीम है जो फाइनल में पहुंची है और आज अपना जो है गेम प्ले यहाँ पे दिखाने वाली है। एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया होता है। तो स्लेयर हमारे कह रहे हैं डिले कितना है पाजी, डिले पाजी कुछ ऐसा है कि बता नहीं पाऊंगा, बट डिले आप लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि डिले डिले का क्या करोगे, क्योंकि डिले तो ऐसे बूम बाम आपको देखने को मिलेगा मिलेगा चाहे बिल्कुल, डिले बिल्कुल। हो चाहे तो ना हो। डिले की आप लोग क्या चिंता करते हैं, अगर आप लोग का धूमधाम वाला गेम प्ले है तो बेहतरीन गेम प्ले ऐसा होने वाला है कि मतलब आप लोगों को टाइम नहीं मिलने वाला है। तो लेट शो कहते हैं इजी लिनक्स ओपी, थैंक यू सो मच। तो सारी टीम्स को जितनी भी टीमें ये देख रही हैं उनको सबको मैं कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, और आप लोग जो है बढ़िया सा गेम प्ले हम लोगों को दिखाइएगा ताकि बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक गेम प्ले यहाँ पे हो जाए। सही बात गाइस, हम वेट कर रहे हैं कि आज क्योंकि इतनी जो है खतरनाक टीम्स है, तो आज हम जो प्रेडिक्शन के बारे होता है कि हम कर देते हैं कि ये टीम्स आज मे बी टॉप में आने वाली है, लेकिन आज जो टॉप की टीम है ना भाई इनके पीछे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जस्ट वेट कर रहे हैं कि कौन सा जो आज हमें अपना जो रुद्र रूप दिखाएगी, कौन सी टीम आवाज कते पकड़ पकड़ के मारने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी पाजी बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी टीमें ऐसी हैं जो प्रॉपरली वहाँ पे टीम्स को ऐसा असैसिनेशन करके दिखाएं कि मतलब जो देखने में एकदम से हम लोग के ये लगा लिए रोंगटे खड़े हो जाए, साथ के साथ मुंह से निकल जाए वाह दैट्स इट, ये होना चाहिए था। सही बात पाजी, वही तो हम वेट करें कि ऐसे हमें कोई गेम प्ले दिखाए कि हमें कतई खड़े होकर तालियां बजाने का जो मौके में ऐसे मन करे भाई हाँ ये टीम है कि आज कतई छा गई है। बिल्कुल, तो बाकी की आप लोग सब देख ही रहे हैं और आप लोगों ने देख ही लिया है कि गेम प्ले यहाँ पे ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ही ज़्यादा मस्ती, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल गेम प्ले, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डू कास्टिंग, मैं कैप्टन मैकलेन, और बर्निंग आउट के यहाँ पे है हमारे 20 पाजी जिनके साथ यहाँ पे होगा मेरा एग्रेशन, और साथ के साथ बर्निंग पाजू की यहाँ पे फुल ऑन मस्ती, और साथ के साथ हम लोगों का रहेगा बहुत ही बेहतरीन एनालाइज, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि साथ के साथ आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, हम लोगों का सपोर्ट करें। सही बात गाइस, जो भी तो नए नए हो आप लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तभी तो हमें जोश आएगा, और नए नए हम जो है मतलब फुल जोश के साथ जो है आपको कास्टिंग करते हुए दिखाई देंगे, फिर आपको भी मजा आएगा हमें भी मजा आएगा करने में। तो जल्दी जल्दी लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यार, किस बात का वेट कर रहे हो गाइस। बिल्कुल गाइस बिल्कुल, तो मैं भी यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग इससे जुड़ते रहिए, गेम प्ले को और ज़्यादा मच बेटर बनाते रहिए ताकि टीम्स जो हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकें और ज़्यादा ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और साथ के साथ गेम प्ले यहाँ पे अगर देखने को मिले तो ऐसा मिले कि मतलब आपका मन ही ना करे कि यार ये क्या हुआ और कैसा था और कैसा नहीं था, ये आपके मुँह से निकल जाए भाई मतलब ऑसम ऐसा हो जाए, मतलब कुछ ऐसा निकल के आया आप लोगों के मुँह से। सही बात, तो जल्दी जल्दी गाइस यार ज्वाइन कर लो, अभी तक 28 प्लेयर ये आए हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी मे भी 7 बजे रूम स्टार्ट हो जाएगा, कोई यहाँ पे डिले मे भी ना दिखे, तो 3 मिनट बचे हैं, तो जल्दी जल्दी आप जो अपने टीममेट्स को कॉल करो मैसेज करो, क्योंकि अगर फाइनल्स में अगर आपका एक मैच में भी एक प्लेयर नहीं आया ना तो उसका भुगतान आपको
काफी बड़ा हो बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल क्योंकि एक प्लेयर आपको पूरे टीम जो है मैच चेंज करता हुआ दिखाई दे सकता है इधर। बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे पाजी वो बोलते हैं ना कि एक बार आपने देखा था एयरटेल के जो टैगलाइन आई थी कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो वैसे के वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी वही सीजन बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे कि हर एक प्लेयर जरूरी होता है, हर एक टीममेट जरूरी होता है, और हर एक जो है सिचुएशन के अंदर हर एक प्लेयर की अपनी एक अलग पोजीशन और साथ के साथ अपना एक रोल प्ले होता है, तो वो चीज़ हम लोगों को आज यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। सही बात पाजी, आज देखते हैं कि वो प्लेयर कौन सा हो सकता है जो हमें आज गेम चेंज करता हुआ दिखाई देगा। तो आप इस बात का क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे पाजी के? मुझे ऐसा लगता है कि आप के जोन जो है एग्जैक्टली स्टार्टिंग में जो पहला जोन बनता हुआ दिखाई देगा वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा आपका मिड मिड में आना मेरे को चाहिए। तो लग रहा है वैसे मिड में आए तो मे भी हमें जो है लास्ट में अगर जो मिड में आएगा तो टीम को मां भी रोटेशन करने में दिक्कत ना हो, पर आपको पता तो है जो ना हमारी कहां सुनता है वो तो जहां पे बनेगा जहां पे हमें कभी उम्मीद नहीं होती है। तो बिल्कुल और बिल्कुल यह भी टीम्स को रोटेशन में मैंने देखा कि काफी टीम्स रोटेशन में या तो कुछ गलती कर बैठती है या तो एक दो प्लेयर वो खो देती है और लास्ट में उनको वो दिक्कत हो जाती है। तो आप मतलब रोटेशन के टाइम पे ये ध्यान रखें गाइस कि आराम से रोटेशन करें, देख के रोटेशन करें, जहां पे आप होल्ड करने जा रहे हो ना पहले या तो आप दूर से स्कोपिंग करके वहां पे देख ले या फिर गाड़ी जो राउंड राउंड करके आप देख ले, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ठोक देते हैं और वहां पे जो बंदे बैठे होते हैं पहले से और आप दो प्लेयर क्या वो अगर शुरू में कैजुअलिटी के रोटेशन में तो आपका एक तो जो मोटिवेशन होती है वो डाउन हो जाती है और आपके पास जो प्लेयर्स पावर होते हैं ना वो भी डाउन हो जाती है, आपको रश करने और किल्स वो उस पर ध्यान नहीं रहता है फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल वो ध्यान के देखिए ये चीज़ तो मैं भी मानूंगा, इस बात को आपने बहुत वेल सेड, ये चीज़ आपने बहुत बढ़िया बात बोली। तो उसके लिए एक चीज़ और बैटलिंग परफॉर्म यहाँ पे हमें ये चीज़ तो देखनी तो पड़ती है। लेकिन हैपनी कमेंट्री ओपी, थैंक यू सो मच नैशिन नेगा जी, कते जरम बॉय ट्राई करते हैं कि मैं हर कैप्टन पाजी कते बूम बम कर दे मजा आ जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारे बर्निंग आउट पाजी की जनता जो है कैप्टन मैकलेन का आप लोगों का बहुत 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 बड़ा नमस्कार और बहुत 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 यहाँ पे प्यार। तो हम लोग जो बात कर रहे थे तो उस लेवल के हिसाब से आप लोग जैसे कि पाजी ने बताया कि भाई स्लैम इन का हर प्लेयर का अपना प्रॉपर एक रोटेशन देखना पड़ेगा कि सडनली कहीं पे वही भी कोई कोई कैजुअलिटीज हमें देखने को ना मिल जाए। और उसके साथ ही भाई एक तो ये भी होगा क्योंकि काफी जो है दिनों से जो मैच हो रहे हैं ना तो मे भी कई टीम्स ने टीम देखे कई टीम्स की रोटेशन वो भी मे भी स्टडी की हो, तो ये बिल्कुल भी हो बिल्कुल सकता है कि उनकी जो मेन टीम है जो मे भी हाई टॉप पे रहती है तो उनका मे भी हमें रोटेशन यहाँ पे कट होता हुआ भी मे भी दिख सकता है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो उन पे सभी जो टीम से वो नजरों पे चढ़ी होगी कि यहाँ से रोटेशन करती है, अगर एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो गया तो उसको डायरेक्ट फिनिश करेंगे वो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज तो है, अच्छी बात है क्योंकि ये जो रीडिंग प्रोजेक्शन होता हो जाता है क्योंकि पूरा का जो टीम का एक एरिया कवर अप लेते हैं कि हाँ ये टीम का जो खेलने का स्टाइल है ये ऐसे खेलती है, तो थोड़ा बहुत जो है ना वो अब तक से जो क्वालिफायर से लेके और अब तक के जो फाइनल तक अगर किसी टीम ने उनको अगर बहुत अच्छे से रीड करा होगा तो वह उसका एडवांटेज उस टीम्स को मिलेगा। क्योंकि फाइनल है इसमें एक भी गलती अगर इधर से उधर हुई तो फिर आपको फाइनल में काफी दिक्कत से सामना करना पड़ सकता है लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, हनी सिंह यो यो एंड कमेंट्री लाइक ओशिया शर्मा, अब गाना गाने के लिए नहीं बोल देना क्योंकि ये क्योंकि थोड़ा सा लेकिन एक चीज पाजी आप भूल रहे हो, एक चीज आप थोड़ा सा भूल रहे हो कि यहाँ पे एक एक बंदा और है इस चीज को रोकने के लिए, एक बंदा और है जो है हमारा बिग बॉस जिसे हम कहते हैं जोन। अगर जोन क्योंकि अगर ये तो अगर आपने अगर जोन की नहीं सुनी हाँ जी तो इट विल पनिश यू वेरी हार्ड। जोन भाई वो पार्टिसिपेट नहीं कर, वो भेदभाव नहीं करता है, जो दिख गया भाई उसको तो ले लेगा। तो ये पहले ये भी ध्यान रखें कि आप रोटेशन भी ध्यान से करें, फाइट के चक्कर में के रोटेशन ना भूल जाए, क्योंकि एग्जैक्टली वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पूरा मुंह खोल के खड़ा हुआ है कि मतलब जिसका मौका लगेगा और जहां से निकलेगा और जो उसकी पकड़ में आएगा तो उसको तो जरूर पूरा पूरा खा के ही निकलेगा। तो वो चीज यहाँ पे टीम्स को
देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और 7:02 गाइस यहाँ पे हो चुके हैं और बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन आप लोगों को और TWMX मिलने वाला है गेम प्ले आपको, और थोड़ी देर में बिल्कुल मिल जाएगा। 75 प्लेयर्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। एक आप प्लेयर्स की कमी जो दिख रही है वो अभी जरूर जरूर पूरी हो जानी चाहिए। मे बी भाई अभी तक टीम नंबर 16 आई नहीं, वैसे टीम नंबर 16 पे रुको, स्लॉट्स पे कौन है यार गाइस, इतना मतलब ये होने वाला है स्कार स्पोर्ट्स भाई, अभी तक नहीं है, ये टाइम हो चुका है। कहीं गलती से अगर स्टार्ट हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, एक मैच यहाँ पे काफी जो है पॉइंट्स का डिफरेंशिएट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक प्लेयर में अगर एक टीम में अगर आप लोग नहीं है जाते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे देगा, और साथ के साथ फिर बाद में इसको अगर दो मैचेस या जो भी मैचेस होंगे उसको कवर अप करने में इन्हें बहुत टाइम लगने वाला है। सही बात पाजी। तो वैसे आज आपको मतलब इतना टेंशन नहीं थी, आज जो है जो तीन ही मैचेस होने वाले हैं, कल जो बाकी के तीन मैच है, तो आपको आज इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको सारे के सारे मैचेस आज खेलने पर ही, रिलैक्स होके खेलो, कोई जल्दबाजी नहीं खेलो आज। मतलब आप ये करो कि टॉप 10 में आप जो है कोशिश करो टॉप 10 में आप बने रहो, लेकिन जो कल के 10 मैचेस हो गए ना उसमें आप अपना जो है गेम प्ले यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर आज आपने जल्दी जल्दबाजी कर दिया, अगर नीचे की तरफ आप पहले रह गए, जो पहले आप नॉकआउट हो गए या कुछ ये हो गया, तो आपका मोरल डाउन ही होना चाहिए गाइस। तो मोरल आप जो है अपनी मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि ये गेम ऐसी है कभी भी आपको कुछ भी चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो पहले ही बता देते कि जो पहले अगर कई बार हो जाता है तो अपना मोटिवेशन बनाए रखें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेन बेसिकली यही एक बात हमें समझ में आती है, ठीक है, मेन बेसिकली यही बात है, क्योंकि इसमें लेकिन एक चीज़ की बात हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक मैच भी अगर यहाँ पे मिस आउट होता है, ठीक है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है ये दो फिनिशेस के, दो फाइनल्स के जो शोडाउन का जो पॉइंट रेटिंग है वो आपका पूरा कोलैब होगा, दो दिन का जो है पूरा का पूरा नोट डाउन किया जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे तक बढ़ने में टीम्स को वहां पे एक बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करेगी ये चीज, कि कौन सी टीम अगर नीचे है ऊपर आ सकती है, ऊपर है नीचे आ सकती है, फिनिशेस भले ही अगर आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए 10 फिनिशेस निकाले 15 फिनिशेस निकाले, लेकिन अगर आपकी टीम 10-15 फिनिशेस निकालने के बाद अगर वहां पे 12 पे या 13 या 14 पोजीशन पे डाउन चली जाती है तो वहां पे उनको वहां पे बहुत दिक्कत होने वाली है। दिवांग सांग डीमन हेलो ब्रदर, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम, टू विन दिस मैच, यस गर्ल ब्रो, चलो देखते हैं कि क्या होता है। TWM मे बी वो भी बड़ी काफी बढ़िया टीम है, तो हमें मे बी देखने को मिल सकती है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो गाइस अपने अपनी जिसके टीम का आप सपोर्ट कर लियो, स्पैम मार दो एकदम अपनी टीम्स को, जो सपोर्ट दिखा दो यहां पे, कितना आप सपोर्ट कर रहे हो आप अपनी टीम्स को, क्योंकि काफी टीमें हमें यहां पे जो है बहुत ज्यादा बेहतरीन है। कमेंट्री कर दो, यो यो जिसके अंदर एक बेहतरीन रैप होगा अभी कैप्टन पाजी और मैं कते रैप करने वाले हैं, एक बार स्टार्ट हो जाए फुल रैप होगा, क्योंकि तीन चार टीमों को हम लोग देख लेते हैं। ओह हियर वी गो, द गेम इज स्टार्टेड नाउ। सही बात गाइस, जो है यहां पे हो चुका है फर्स्ट मैच स्टार्ट, जो कि यहां पे हमें यार एंगल देखने को मिलने हेलो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा पाजी के लिए दिक्कत हुई होगी, क्योंकि गो एसटीएम हेलो लेजी लेजी वेलकम टू द स्ट्रीम, सपोर्ट योर फुल सपोर्ट टू द ओएसटी टीम, वी आर विद यू। मेरे को एक बार रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, क्या हो गया पाजी? पाजी वो पता नहीं, मेरी वायरल गई होगी तो गेम से फिर रिस्टार्ट करनी पड़ेगी मेरे को, तभी साउंड आएगी। ब्लू आई ओपी इन द चैट, चलो देखते हैं आज ब्लू आई का क्या होता भाई। कोई नहीं, कोई नहीं पाजी, बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल पाजी आवाज आ रही है। तो गेम यहां पे स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा ग्लिचिंग मोमेंट यहां पे मिलता ही है, आप लोग तो सब जानते ही हैं, तो उसके लिए भी आप लोग सब रहिए तैयार, मैं तो हूं बिल्कुल तैयार। और यहाँ पे देखने को मिलेगा डीमन गेमर BOS एग्जैक्टली द ब्रदर ऑफ सिक्किम, वी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट दैट, दिस टीम हैज रियली रियली गोना रॉक, बिकॉज अभी से लेकर जर्नी तक, जो क्वालिफायर से लेकर यहाँ पे सेमीफाइनल्स तक, या ब्रदर ऑफ सिक्किम की टीम ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और एक रोल यहाँ पे प्लेयर करा हुआ है। सही बात पाजी, तो आज काफी टीम्स हैं यहाँ पे देखने मिलने वाले, जो टॉप 10 के अंदर हमारी जो टीम्स आ रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, ब्रदर ऑफ सिक्किम्स है,
और यहाँ पे एम्पायर ईस्पोर्ट्स है, स्पार्क की है, स्टोन की टीम हमें देखने को मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी अच्छी टीम हमें दिखाने वाली है। साथ के जीएसएन लियो की टीम हमें देखने को मिल रही है जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। फिनिक्स वाईटी ऑल द डी बैक्सटिक पैक पैनिक एक्सटमिल रैकली दैट दे सो गाइस शो योर लव टू योर टीम एंड सपोर्ट देम बिकॉज योर सपोर्ट इज आवर मोटिवेशन टू गिव अवर अ बूस्ट to in your in the casting. So please 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 do stay, like share subscribe. Thank you all, subscribe jaldi jaldi share bhi kijiye taki aur bhi logo ka pyar hame mil sake aur sath ke sath wo log bhi isko bahut enjoy kar sake aur aap apni teams ko jitne logo tak phaila sakte hain apni team ka support utne logo tak aap phaila dijiye. से बात का जी, यहाँ पे मेरा भी आ चुका है लेकिन मे भी थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हो गया तो मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखे तो काफी टीम है जो यहाँ पे उतर चुके हैं। यहाँ पे टीम नंबर जॉर्ज में टीम नंबर फाइव यहाँ पे उतर चुके हैं, टेन के दर में यहाँ पे सिटी की तरफ है स्पार्क की टीम, लेकिन उनके साथ में आई है टीम नंबर अभी भी अंदर की तरफ में आ चुका हूँ मैं, अभी भी जो है लोडिंग स्क्रीन ही हो रहा, थोड़ा ग्लिच मूवमेंट कभी कभी होता है ये अलग अलग एरियाज में, ये इतनी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन जो पैर टीम है उनका अग्रेशन टीम संभाल नहीं पा रही है, गेम संभाल नहीं पा रहा, तो इस वजह से यहाँ पे होता हुआ निकाह टीम आई के यहाँ पे कुछ हमें देखने को यहाँ पे मिला है। स्टिकी गेमिंग कितने टीम सपोर्ट यहाँ पे, तो यशना की तरफ टीम नंबर 16 ऑलरेडी उतर चुका है, थोड़ा सा ओपन एरिया है यहाँ पे, काफी जो टीम यहाँ पे उतर है टीम नंबर 13 टीम नंबर 24, तो मे भी यहाँ पे ओपन में अगर किसी प्लेयर को गन मिल गया तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी कैजुअलिटी का सामना मे भी देखने को मिल सकता है। बाकी की तरफ चले तो बाकी की तरफ मे भी अभी कोई क्लास नहीं देखने मिला, लेकिन मिल्टा में यहाँ पे मे भी फाइट होने वाली है टीम नंबर 8 और सामने टीम नंबर जो है 17 के साथ थोड़ा सा ये लूट कर रही है, तो मे भी यहाँ पे थोड़ा आगे जाने की कोशिश की तो मे भी यहाँ पे स्पॉट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस लेवल का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, टीमों का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा सा क्लस्टर बनता हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है वो रिजॉर्ग में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मिल्टा की तरफ भी आ चुका है, साथ के साथ बहुत सी टीमें जो जॉर्जो पुल जाना पसंद करती है वो तो ऑलमोस्ट जॉर्जो पुल जाती हुई हमें दिखाई दे ही चुकी है, जिसमें से काफी टीमों ने एक बहुत ही अच्छी रोटेशन भी दे रखी है, और आप देख सकते हैं इस समय भी बहुत ही अच्छा एक मेंशन की तरफ भी एक धीरे 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 टीमों का क्लस्टर जो है वो बनता ही जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है यहाँ से गाड़ियां भी लेती हुई आ रही है काफी। लेकिन लास्ट जोन तो मेरे को लग रहा है ना पाजी, मे भी थोड़ा सा लास्ट की साइड फिल्प का जोन थोड़ा सा करता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे टीम नंबर 16 के प्लेयर अभी भी ओपन में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एसएनआई पे ऑलरेडी टीम नंबर 30 जो है रोटेट कर चुका है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है टीम नंबर 25 का जो पैनिक है ना मे भी उनके यहाँ पे दिक्कत देखने को ना मिले कि इनको यहाँ पे थोड़ा कैजुअलिटी ना हो जाए, क्योंकि टीम नंबर 14 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है जो कि यहाँ पे एम्पेजर की टीम है, टीम नंबर 14 अगर यहाँ पे स्पॉट कर लिया यहाँ पे गाड़ी तो है मे भी निकलने की करेंगे कोशिश या फिर स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे, डाउन का कोशिश करने का मौका इन्हें मिलना भी चाहिए और अच्छी भी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है सामने वाली टीम के लिए। और फाइनली देख सकते हैं कैबिया में यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा दिक्कत जिन लोगों को होता है, फाइनली यहाँ पे एक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है, रचना यहाँ पे पैनिक की जिनको यहाँ पे नॉकआउट करके यहाँ पे निकाल दिया, तो जिन आप देख सकते हैं थोड़ी देर में यहाँ पे दिक्कत का सामना इन्हें करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा ग्लिची मोमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपने आप ही ठीक होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा रिटेलिशन यहाँ पे दिक्कत दे सकती है टीम को। सही बात पर यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है ये फिनिश आउट होते हुए हमें दिख जाएगी, क्योंकि इनके बाकी जो टीम है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो मेन हाइट पे जो स्क्वाड हाउस होता है वहाँ पे यहाँ पे पैनिक एक्स लियोन यहाँ पे राइट की तरफ रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 14 के जो दो प्लेयर है ना यहाँ पे घुस चुके हैं पूरा का पूरा, गाड़ी से यहाँ पे जो है खत्म कर दिया गया, यहाँ पे फिनिश के साथ ही टीम खेलते हुए सामने चाहिए, इन्होंने स्पॉट कर लिया है, लेकिन मेरे को लग रहा पाजी इनको निकल जाना चाहिए अगर ये ओपन में गए तो मे भी इनको कहीं दिक्कत ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ी सी दिक्कत इनके साथ इस टीम के साथ हो सकती है, लेकिन ये मैं लॉबी में क्यों आ गया लेकिन पता नहीं ये इसमें बाहर थोड़ा सा ग्लिचिंग मूवमेंट होता है एक नॉर्मल, मतलब नहीं नहीं अभी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बन रही है, टीम यहाँ पे रोटेशन करती हुई दिखाई देने वाली है सेंटर जोन और व्हाट भाई साहब आज जो है हमें काफी खतरनाक यहाँ पे देखने मिले हैं, पहले यहाँ पे स्प्रे मारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टीम नंबर 24 के डीटीएक्स एक्सजीगो है वो यहाँ पे, लेकिन उनके पास यूएमपी है तो मे भी इतनी दूर इनका जो स्प्रे यहाँ पे पहुंचेगा नहीं, तो इनको होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कैजुअलिटी का सामना करना पड़ना था वो तो यहाँ पे कर गया है, यहाँ पे अगर यूएमपी यहाँ पे अगर इन्होंने यहाँ पे गोली ज्यादा स्प्रे मार के अगर जो खत्म की तो मे भी सामने अगर रश किया तो उनके पास फाइट करने के लिए ना मे भी कुछ ना हो,
तो इनको थोड़ा सा मैं भी होल्ड कर लेना चाहिए, और बाकी की तरफ यहाँ पे चले तो हमें कहीं और यहाँ पे थोड़ी सी हमें फाइट देखने को नहीं मिली, क्योंकि मिल्टा की तरफ जो की टीम नंबर यहाँ पे 8 और टीम नंबर 17 के साथ फाइट होने वाली थी, दो प्लेयर यहाँ पे थे आगे की तरफ, वो पीछे हो जाएगा ब्रदर, क्योंकि इन्होंने कर लिया होगा। अलकेश आर बोरा, जेएसएन, हेलो हेलो जेएसएन, वेलकम टू द शिप, टीम नंबर 14 यहाँ पे हमें रोटेट करते हो जाएगा, मे बी नहीं नहीं ये हो जाएगा, अभी थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा सा दिक्कत करता है ये, मे बी यहाँ पे जो है आगे की तरफ जाने की कोशिश करे, लेकिन शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश की तो टीम नंबर 22 ऑलरेडी वहां पे बैठी हुई है, तो मे बी इनके साथ यहाँ पे हमें क्लैश यहाँ पे देखने को ना मिले, तो देखते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे रोटेशन करती है ये टीम यहाँ पे, फिर से यहाँ पे एक गाड़ी में बैठ चुके हैं, लेकिन इनको जल्दी जल्दी एक और गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, अगर चार प्लेयर एक गाड़ी में रहे तो इजीली स्प्रे डाउन हो सकती है पूरी की पूरी टीम, तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या करती हुई दिखाई देती है, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है जो टीम नंबर 8 है वो ओपन में यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा हाइट पे तो है, लेकिन नमस्कार ब्रदर, नमस्कार, रोटेशन की तो काफी बड़ी यहाँ पे ये हमें करती हुई दिखाई दे सकती है, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए बीच की टीम में जो हमें नजर आने वाला है 19 नंबर की टीम और 21 नंबर की टीम के बीच में क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे टीम नंबर 21 के दो प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं बग्गी के साथ, मेरे को लग रहा है इन्होंने बिना देखे यहाँ पे क्रैश इन कर दिया, और यहाँ पे टीम नंबर 19 के दो प्लेयर को यहाँ पे भी जॉब करा, एक प्लेयर को और नॉक करने के बाद यहाँ पे कस को भी यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश की जा चुकी है, तो दो प्लेयर यहाँ पे खुले तो हमें दिखाई देने वाले, तो फाइनली आप देख सकते शॉट टू शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश दिखाई देंगे फ्रेंजी, क्योंकि अकेले बचे हुए 21 नंबर के जो प्लेयर हैं उनको भी यहाँ पे पूरा पूरा फिनिश डाउन करने का पूरा गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिला, कोशिश को कर रहा हूँ ये हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा जैसे कि हमने पहले भी कहा था पाजी की बिना देखे अगर आप क्रैश इन करोगे ना तो यहाँ पे दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, और मेरे को लग रहा वो ही हुआ बिना देखे उन्होंने सामने के जो अपार्ट आगे की तरफ जो स्क्वाड, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, वेट मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग एक मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए, एक मिनट, ये मैं लॉबी मैं क्यों आ गया और बॉट वो कभी कभी ग्लिच हो जाता है पाजी का, कोई ना आ जाएगा पाजी, तो यहाँ पे तब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे मेरे को लगा टीम नंबर 16 यहाँ पे एस नया की तरफ यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे स्कार एरर जो आगे की तरफ है और सामने से टीम नंबर 13 के जो यहाँ पे प्लेयर यहाँ पे लूट कर रहे, मे बी इनको अभी तक स्पॉट नहीं, क्योंकि गन पीछे रख के इजिली रोटेट करे, लेकिन इनको थोड़ा सा जो है यहाँ पे टीवीपी रखनी पड़ेगी सामने से की तरफ से स्पॉटिंग करनी पड़ेगी, अगर गलती से ये ओपन में आ गए और यहाँ पे नॉक हो गए तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे फिनिश आउट कर सकते हैं, क्योंकि कोई टीम यहाँ पे आपको नॉक करके छोड़ने नहीं देगी, छोड़ने नहीं वाली, ताकि आप यहाँ पे रिवाइव हो जाओ और अपना जो पॉइंट वो आपको दे दे, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे टीम नंबर जो है 22 के प्लेयर काफी यहाँ पे जो है ओपन में यहाँ पे अकेले अकेले हो चुके हैं शेल्टर की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पे दिक्कत ना हो, यहाँ पे टीम नंबर जो है 24 यहाँ पे रोटेशन करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है गाड़ी के साथ, लेकिन सामने की तरफ जो है देखते हैं अगर घरों में की तरफ गए तो मे बी टीम नंबर जो 19 यहाँ पे ऑलरेडी मे बी उनके साथ यहाँ फाइट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे मेरे को लग रहा है बैंक की तरफ ये थोड़ा सा क्रैशिंग ना कर दे पैनिक जो लियोन है, तो मे बी यहाँ पे ना, और मेरे को लग रहा है वो ही यहाँ पे दिक्कत होने वाली है बिना देखे यहाँ पे रुके, यहाँ पे मे बी फाइट होने वाले टीम नंबर 19 टीम नंबर 24 के बीच यहाँ पे काफी बड़ी यहाँ पे क्रैशिंग दिखाते हैं, और एक प्लेयर को कर दिया ना यहाँ पे पूरे पूरे फिनिश शॉट भी हो जाएंगे, यहाँ पे बिना देखे जो यहाँ पे गाड़ी का क्रैशिंग किया ना वो यहाँ पे इनको भुगतना पड़ जाएगा, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे जो है टीम जो है निकलने में कामयाब हो चुकी है, यहाँ पे बचने चुकी है, लेकिन जस्ट गाड़ी एक एचपी गलती से एक स्प्रे यहाँ पे अगर देखने को मिल गया गाड़ी पूरी की पूरी यहाँ पे पड़ जाती है, टीम नंबर 24 जो वो यहाँ पे वाइप आउट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं पार्ट्स की तरफ ना जाए, यहाँ पे बिना सोचे यहाँ पे जो बग्गी रोके टीम नंबर 19 पूरा उसका जो है फायदा उठा रही है, और टीम नंबर 19 यहाँ पे खेलती हुई 3 फिनिशर के साथ काफी थोड़ा ना तो एग्रेशन कर रही है, लेकिन टीम जो है काफी इनके पास खुद यहाँ पे आ रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ द जोन ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इनको काफी दिक्कत यहाँ पे मे बी ना होने वाली है, यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है यहाँ पे टीम नंबर थोड़ा सा यहाँ पे 13 भी थोड़ा सा एग्रेशन मे बी आके आगे की तरफ दिखाने की कोशिश कर सकती है, यहाँ पे टीम नंबर 16 ने थोड़ा सा गेरा तो बना लिया है, लेकिन इनको भी अगर यहाँ पे केयर करना पड़ेगा, अगर जैसे कि ये सामने की तरफ से ये जो प्लेयर है रिंस फायर यहाँ पे आगे की तरफ रोटेशन करने की कोशिश करे, अगर ये नॉक हो गए तो इनको रिवाइविंग के मिलने के यहाँ पे कोई हमें चांसेस नहीं दिख रहे, इसलिए इनको जो है होल्ड करके जब समझदारी से इनको जो है यहाँ पे फाइट लेनी चाहिए, तो यहाँ पे बाकी की स्क्वाड की तरफ चले तो यहाँ पे काफी बड़ी जो हमें फाइट नहीं होती हुई दिख रही है, काफी यहाँ पे टीम से रोटेशन करे जैसे हॉस्पिटल टीम नंबर 20 पे हमें रोटेशन करते दिखा दे रही है, और यहाँ पे जो है एक प्लेयर यहाँ पे नॉक कर दिया गया है टीम नंबर 13 के, जैसे कि मैंने कहा था कि आप बिना देखे आगे की तरफ गए तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे एक और यहाँ पे टीम नंबर 16 के प्लेयर को भी यहाँ पे टीपी का जलवा दिखा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है नॉक कर दिया यहाँ पे स्मोक मार दिया अपनी टीममेट को यहाँ पे रिवाइव करने के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है टीम नंबर 16 के यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे जो AWMBT है वो यहाँ पे पूरे पूरे फिनिश आउट हो गया, थोड़ा सा मे बी अग्रेशन दिखाया था बिना सोचे, लेकिन यहाँ पे जो है हार्ड से इजीली कवर दे दिया सिजाकी ने अपने टीममेट को यहाँ पे बचा लिया, यहाँ पे इजीली रिवाइव होते हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिंस फायर है वो यहाँ पीछे यहाँ पे जो है बैक स्टेप कर रहे हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मे बी ये
जो इनको पता लग गया है बिना सोचे आगे गए, तो यहाँ पे जस्ट जो है किल देना ही होगा यहाँ पे, मे बी फाइट ना हो तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर पाते हैं टीम, कितने देर यहाँ पे होल्ड करवाते हैं। यहाँ पे जोन के बाद टीम नंबर जो है 10 यहाँ पे खेलती हुई दिखाई दे रही है स्टोन की टीम, और यहाँ पे टीम नंबर 20 थोड़ा सा जोन के अंदर जा रही है। और नीचे की तरफ देखे तो यहाँ पे टीम नंबर जो है अपनी 9 यहाँ पे रोटेशन करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पूछे की तरफ से यहाँ पे टीम नंबर 12 यहाँ पे रोटेशन कर रही है, और यहाँ पे काफी टीम से वो अभी जो है जोन कॉर्नर खेलने की कोशिश करी है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करती हुई दिखाई दे रही। डार्लिंग कास्टर आई लव यू जी लो ऑफिशियल ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। यहाँ पे क्या लग रहा है गाइस, किसके में हमें फायदा देखने को मिल सकते हैं? मेरे भी पाजी का थोड़ा सा वो मे भी ग्लिच हो गया, इसलिए पाजी अभी तक थोड़ा रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कब तक यहाँ पे पाजी हमें आते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे जोन कट चुका है ऊपर की तरफ, मेरे को लग रहा है यहाँ पे रजौ की तरफ यहाँ पे काफी बढ़िया हमें जोन देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे टीम नंबर 5 ऑलरेडी काफी बढ़िया यहाँ पे जगह पे पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ पे जोन कटा तो इजिली जो है ये इतना बढ़िया हाउस है जहाँ पे हम फाइट ले सकते हैं, लेकिन काफी जो टीम यहाँ पे जो है रश करती है सबसे पहले जो ये ट्रिपल स्टोरी पकड़ने के लिए। यहाँ पे टीम नंबर जो है टाइम सामने की तरफ 15 भी यहाँ पे जो है यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन सामने से टीम ने स्पॉट कर लिया, यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे इजिली बच जाएंगे क्योंकि कोई यहाँ पे ज्यादा ओपन में थे नहीं, तो इजिली जो हमें यहाँ पे घर के अंदर यहाँ पे जाती हुई टीम से यहाँ पे दिख जाएगी, और बाकी की टीम से अभी भी रोटेशन करे जी ऊपर की तरफ से टीम नंबर स्टोन यहाँ पे रोटेशन करी, मे बी ये कहीं नीचे की तरफ यहाँ पे जाए ना, अगर नीचे की तरफ बिना सोचे यहाँ पे स्टार्क ने क्रैशिंग कर दिया तो वही होगा जो हमें टीम नंबर 19 के यहाँ पे देखने को मिला, 3-2 स्पॉट से यहाँ बिना सोचे रच कर दिया और टीम नंबर 19 ने इजिली यहाँ पे उनको फिनिश आउट कर दिया। ये पहले स्पॉट करे तो ये काफी बड़ी टीम है, मे बी ये ऐसी गलती ना करे, पहले स्पॉटिंग करेंगे फिर जाके अपना जो जोन यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। टीम नंबर 9 नीचे की तरफ हमें खेलते हुए दिखा दे रहा है जोन के बाहर अभी भी, लेकिन यहाँ पे फाइट हो चुका है टीम नंबर 22 के एक प्लेयर यहाँ पे पूरे फिनिश आउट हो चुका है, जो कि गैंगस्टर थे जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अकेले घूम रहे हैं, अगर गलती से यहाँ पे स्पॉट हो गए पूरे भुगतना करना हो सकता है। यहाँ पे टीम नंबर 22 के भी यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर यहाँ पे बैठे, और मेरे को लगा इनके बीच अग्रेशन होने वाला है सामने की तरफ, यहाँ पे टीम रोटेशन कर रही है टीम नंबर 8, तो यहाँ की फाइट लेगी या फिर मे भी निकलने की करेगी कोशिश, अगर फाइट ले रही तो टीम नंबर 22 के जो प्लेयर है यहाँ पे जस्ट एक ही प्लेयर है, तो इनको मे भी दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखते हैं टीम नंबर 8 यहाँ पे बैक फायर यहाँ पे देने कोशिश करी, जस्ट एक एचपी बचे यहाँ पे फ्यूजन यहाँ पे अगर दो नॉक हो जाते जस्ट एक प्लेयर से यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे रिफ्लेक्शन देते हुए अपने टीममेट को कवर देते हुए यहाँ पे बचे टीम नंबर 8 के प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं अपने पाजी भी। फाइनली बिल्कुल ये टीम का आप हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन पता नहीं ब्रो यार हॉस्पिटल से भाग गए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्योंकि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन थोड़ा दिक्कत यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्लान यहाँ पे अभी देख रहे हैं वो ग्लिचिंग का मोमेंट हर किसी के साथ होता है क्योंकि काफी दिक्कत वहाँ पे होनी शुरू हो गई। यहाँ पे टीम नंबर 14 जो यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे रश यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे जो क्रैबी यहाँ पे पूरे के पूरे फिनिश आउट हो चुके हैं, यहाँ पे क्या एक और अगर नॉक हो गए तो यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्या प्रधान यहाँ से अपने टीममेट को यहाँ पे कवर दे पाएंगे, या फिर यहाँ पे जो ऋषि यहाँ पे राणी की तरफ प्रधान की तरफ यहाँ पे रोटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो दो प्लेयर यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं, क्या यहाँ पे जो है 2v4 की सिचुएशन से ये निकाल पाएंगे, अगर ये निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे विजय टीम नंबर 16 यहाँ पे पूरा पूरा थर्ड पार्टी करते हुए दोनों के दोनों यहाँ पे जस्ट एक एक एचपी के बचते हुए यहाँ पे जो है अगर टीम नंबर 13 ने अभी रश कर दिया तो मे भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है कैजुअलिटी देखने को मिल सकती है, थोड़ी नहीं काफी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है बेजर की टीम को, यहाँ पे जो है सुमो का मारने की कोशिश करी, यहाँ पे नेट कुक कर दिया गया, यहाँ पे अगर ये कनेक्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, और मेरे को लग रहा काफी बढ़िया नेट है लेकिन जरा सा थोड़ा सा पीछे की तरफ चल गया, एक और यहाँ पे नेट लेने की कोशिश मारा लेकिन यहाँ पे बचने में काम हो गया, टीम नंबर 16 पूरा यहाँ पे थर्ड पार्टी का यहाँ पे करती हुई यहाँ फायदा, और यहाँ पे जो है बड़ी नौका दे, और यहाँ पे टीम नंबर पूरी की पूरी 14 बेजर की टीम यहाँ पे फिनिश आउट होगी, जैसे कि मैंने कहा था कि इनको थोड़ा सा मे भी यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ओपन में फाइट नहीं लेनी चाहिए थी, अगर ओपन में आप फाइट लोगे तो पीछे थर्ड पार्टी यहाँ पे होगी टीम नंबर 16 पूरा का पूरा यहाँ पे जो हाइट का एडवांटेज लेके यहाँ पे स्प्रे मारने की कर रही है कोशिश, इजीली यहाँ पे M4 यहाँ पे स्प्रे मारने की कर रही है टीम नंबर 13 यहाँ पे जो प्लेयर नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे टीम नंबर 7 भी सामने की तरफ से आ गई है, ये भी मे भी लोग कर रहा है ये थर्ड पार्टी जस्ट करने ही वाली है, उन्होंने यहाँ पे गोली के साउंड सुन लिया, और यहाँ पे जो सामने की तरफ जो नॉक हुए थे नाजी वो यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है, लेकिन इनको सामने की तरफ जो है टीम नंबर 16 यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश करे तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा ये टीम जो है अग्रेशन दिखा रही वो होल्ड कर ले, लेकिन यहाँ पे नाजी को काफी दिक्कत हो चुकी है क्योंकि जहां पे ये नॉक हुए ना इनके रिवाइविंग के ना के बराबर चांसेस है, ऊपर से एलेक्स ने यहाँ पे किल चुरा लिया इनका काफी बढ़िया, लेकिन अगर पीछे की तरफ देखे तो टीम नंबर 9 यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे आने वाली है, तो ये टीम नंबर 9 टीम नंबर 7 को ऊपर से बैक स्टेप कर सकती है, तो इनको ये भी देखना पड़ेगा टीम नंबर 7 को, तो यहाँ पे काफी हमें बढ़िया काफी ज्यादा हमें बैक स्टेप यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे काफी बढ़िया जो जोन कर चुका है यहाँ पे टीम नंबर 18 के भी यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे नवगो हो चुका है अबू वाइटी, अगर अबू वाइटी यहाँ पे फिनिश आउट ना हो लेकिन काफी बड़ी यहाँ पे कवर में है तो इजिली रिवाइव हो जाएंगे, क्योंकि पूरे ये जो मेन प्लेयर है जो
लियो की टीम के जो है तो यहाँ पे अगर ये इनको इनकी कैजुअलिटी हो गई तो काफी जो है भारी नुकसान यहाँ पे टीममेट को भुगतना पड़ सकता है, तो इनको थोड़ा सा मे भी पीछे रह के खेलना चाहिए, जो अपने असॉल्ट है उनको मे भी थोड़ा सा अभी के लिए आगे करें क्योंकि लास्ट में काफी इनकी जरूरत पड़ने वाली है फाइट्स में। और जोन के बारे यहाँ पे टीम नंबर 9 पूरा का पूरा ऊपर की तरफ से स्टेबलर की तरफ से यहाँ पे रोटेशन करी क्योंकि ये कोई यहाँ पे ज्यादा जो है फाइट लेना नहीं चाहती, तो मैं भी इसलिए इतनी ज्यादा रोटेशन करी। टीम नंबर 7 यहाँ पे जो सामने की तरफ से टीम नंबर 22 के यहाँ पे प्लेयर को पकड़ने की कोशिश करी लेकिन यहाँ पे निकलने में कामयाब हो चुके हैं टीम नंबर जो 13 के प्लेयर है, लेकिन इनको भी एक कैजुअलिटी का सामना करना पड़ चुका है। लेकिन ये जो टीम के लिए 5 फिनिशर्स के साथ थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। TWM बोलते यस ब्रो कहते सेक्सी शो स्लॉट 15 यस ब्रो स्लॉट नंबर 15 अभी दिखाते हैं। स्लॉट नंबर 15 जो है वो अभी हमें जो है रोटेशन करता हुआ जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे अब अपना जो है यहाँ पे जो घर पकड़ लिया है, तो मे भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। लेकिन जो जोन काटा है ना काफी जो है जो नीचे की तरफ कटा ओपन एरिया मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे थोड़ा सा मे भी रिवर की तरफ हमें जो लास्ट जोन यहाँ पे कटता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे काफी बड़े टीम नंबर 15 ऑलरेडी यहाँ पे मूविंग करना स्टार्ट हो गई हो चुकी है, लेकिन सामने की तरफ के लेफ्ट की तरफ स्टोन है और राइट की तरफ यहाँ पे TWM आएगी टीम है, तो यहाँ पे मे भी यहाँ पे दिक्कत ना हो मेरे को लग रहा है। यहाँ पे क्रैशिंग होने वाला है, क्लैश हमें देखने को मिल सकता है रोटेशन के दौरान। अगर राइट की तरफ करें तो देखो आगे की तरफ से यहाँ पे ट्रिगर आगे की तरफ से आ रहे हैं, एरिक आ रहे हैं, सामने से गाड़ियां दो प्लेयर और यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीम 10 के भी यहाँ पे साथ में आते हुए, लेकिन ये हमें स्प्रे में भी ना देखने को मिले क्योंकि एक एक करके यहाँ पे जो है गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो ये गाड़ी चलाएंगे हमें मे भी स्प्रे देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये हमें रोटी जगह दिखा दे रहा है। यहाँ पे एरिक रुक गया है, यहाँ पे काफी बड़ी यहाँ पे नेविल को यहाँ पे नॉक कर दिया और मेरे को लग रहा है ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि बाकी के जो टीम है यहाँ पे काफी रोटेशन कर चुकी है। यहाँ पे जो केन यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो केन यहाँ पे जो है आगे की तरफ चले चुके हैं और मेरे को लग रहा है नेविल क्या रिवाइव हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पे बॉल लोड उनको रिवाइव करने के लिए आ चुके हैं, तो मे भी यहाँ पे रिवाइव हो जाए इजिली, लेकिन इनको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जोन इनका काट चुका है। तो यहाँ पे जस्ट जोन 1 मिनट बचा है, कभी में स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है ये जोन, और काफी टीम अभी जो है रोटेशन यहाँ पे करने की कोशिश करेगी, लेकिन सारी की सारी टीम यहाँ पे जोन में है। लेकिन अब जो फाइट होने वाली है गाइस इतना छोटा जोन 19 टीम्स अभी तक यहाँ पे बैठी हुई है, तो अब जो अगला जोन काटेगा ना हमें काफी जो है काफी फाइट देखने को मिलने वाली है क्योंकि जिस हिसाब से टीम्स रोटेशन करेगी जिस हिसाब से वो एक एक गलती करेगी वो यहाँ पे दिक्कत इनको होने वाली है। और यहाँ पे जो काफी बड़ी यहाँ पे टीम नंबर 22 यहाँ पे सामने की तरफ घर पड़ कर चुकी है, बीच में ऊपर की तरफ टिप्पर स्टोरी की साइड देखकर टीम नंबर 12 है और लेफ्ट की तरफ जो यहाँ पे है टीम नंबर 18, तो यहाँ पे देखते हैं कौन यहाँ पे हमें फर्स्ट नॉक करता हुआ दिखा देते। यहाँ पे जो है स्पार्की ने यहाँ पे काफी बढ़िया नॉक कर दिया टीम नंबर 23 के यहाँ पे कोला को, यहाँ पे जो है रिवाइव हमें मिलता हुआ दिख जाएगा क्योंकि कोई हमें अग्रेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर अग्रेशन किया तो थर्ड पार्टी इजीली जो है पीछे की टीम सीन के ऊपर कर सकती है, तो मे भी ये जस्ट यहाँ पे हेलमेट बेल्ट डैमेज कर रही है ताकि अगर लास्ट में जोन काटा तो यहाँ पे इजीली हो जाएगा। मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक और दिक्कत है, यहाँ पे मिनी का अपना जलवा दिखाते हुए जस्ट 1 HP के बचने में कामयाब हुए, लेकिन सामने वाली टीम अगर ये यहाँ पे अगर जोन बन गया ना इजीली यहाँ पे काफी बढ़िया हो सकता है। इनकी बाकी की टीम से तो देखे वो अभी जो है दो प्लेयर यहाँ पे जोन के बाद दिखाई दे रहे हैं, स्टार्क तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है फिनिश आउट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बार लॉर्ड और यहाँ पे जो इनके साथ जो यहाँ पे डेविल है वो यहाँ पे अभी तक यहीं पे बैठे हैं। मे भी जोन के बाद में जहाँ पे रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पता अभी यहाँ पे कोशिश कर रही है क्या कि लास्ट में लास्ट तक ये बची रहे, बाद में हमें मे भी देखने को मिले, लेकिन जोन यहाँ पे काट चुका है गंदे वाला, पहले की तरफ ऊपर काट अब नीचे की तरफ कट चुका है, और यहाँ पे जो अपार्टमेंट टीम है उनको ये काफी हो गया, टीम नंबर जो 20 उनको भी यहाँ पे जोन बैठी है, टीम नंबर जो यहाँ पे 24 है ना वो भी यहाँ पे स्कूल कैप्चर करके रखी है तो उनके लिए भी काफी बढ़िया है। लेकिन जो ऊपर की तरफ स्क्वाड है ना गाइस काफी लगभग आधे से ज्यादा जो स्क्वाड्स है यहाँ पे जोन के बारे में यहाँ पे रोटेशन करती हुई ब्रिज की तरफ से यहाँ पे टीम नंबर आया है रोटेशन करती हुई, यहाँ पे हमें स्प्रे काफी देखने को मिल सकता है। टीम नंबर 23 यहाँ पे देखते हैं कि स्प्रे देने की कोशिश करेगी नहीं करेगी, यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे इजीली नॉक कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी गलती की थी यहाँ पे, क्या ये नॉक कर पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे मारने की कोशिश की पानी में यहाँ पे निकलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जस्ट बचे और यहाँ पे जो अभी भी मेरे को लग रहा है जो अवॉल्ड है यहाँ पे भी ये फिनिश आउट हो जाएगी क्योंकि जिस हिसाब से नॉक हुए इनको ना रिवाइव कोई चांस है। यहाँ पे एक और स्प्रे डाउन कर दिया गया यहाँ पे GSN जो लियो की टीम ने काफी बढ़िया दो प्लेयर को यहाँ पे गाड़ी के साथ यहाँ पे फिनिश आउट कर दिया गया, यहाँ पे दिक्कत हो गई टीम नंबर 9 को काफी बड़ी बारी यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ चुका है क्योंकि पूरी की पूरी फिनिश आउट हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था यहाँ पे काफी हमें रोटेशन के दौरान हमें फिनिश आउट होते हुए दिखने वाले हैं जो प्लेयर है यहाँ पे टीम नंबर 13 यहाँ पे रोटेशन करते हुए दिखा दे रही है। यहाँ पे वेरोस में एक प्लेयर यहाँ पे रुक जा रहे हैं, इनके प्लेयर ने यहाँ पे पूरा गाड़ी यहाँ पे टोक दी
पूरा का पूरा डिस्क ब्रेक आगे लगा, लेकिन यहाँ पे सिजाक यहाँ पे नॉक हो चुका है। क्या पीछे से टीम नंबर जो 15 के प्लेयर है यहाँ पे थर्ड पार्टी करेंगे इजीली, यहाँ पे किल जो है वो चुरा सकते हैं अगर गलती से बिहार की तरफ यहाँ पे गए, अगर स्पॉट किया इजी हमें जो यहाँ पे किल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे थे यहाँ पे रिवाइव कर चुके हैं और यहाँ पे सिजाक के तो यहाँ पे फिनिश आउट हो चुके हैं। तो गाइस यार जो भी ऑल पे अपने माइक जो है टीम पे कर लो, तो यहाँ पे जो है एक फिनिश जो फिनिश का सामना इनको करना पड़ गया, कैजुअलिटी हो गई। लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 8 पूरा का पूरा अभी तक यहाँ पे बैठी हुई है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ टीम नंबर 5 के एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो तो हो चुका है, क्लोसेज यहाँ पे नॉक है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे रिवाइविंग में भी हो जाएंगे क्योंकि काफी जो टीम नंबर 7 है थोड़े से यहाँ पे दूर की तरफ यहाँ पे जो है स्टोन बॉर्ड लॉर्ड यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था ये थोड़ा सा जोन की पत्थर बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है। यहाँ पे पीछे टीम नंबर 7 भी आ चुकी है। अब टीम नंबर 7 यहाँ पे दिखना हो जाएगी काफी बढ़िया। यहाँ पे डेविल ने यहाँ पे नॉक कर दिया, क्या एक किल में भी ले ले, लेकिन यहाँ पे एलेक्स क्या यहाँ पे कर पाएंगे, काफी बढ़िया रिफ्लेक्स यहाँ पे टीम नंबर 7 पूरी की पूरी फिनिश आउट हो चुकी है। यहाँ पे डेविल अभी नॉक 9 बजे बॉलोड यहाँ पे जो नॉक है यहाँ पे डेविल अगर हीलिंग नहीं लगी इनकी तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। 3-2-1 यहाँ पे जस्ट बचते हुए यहाँ पे मेरे को लग रहा बॉलोड यहाँ पे रिवाइव कर जाएंगे। लेकिन अभी जो जोन यहाँ पे लास्ट जस्ट कटने ही वाला है, अब जितने देर ये लेट करेंगे उतना इनको यहाँ पे जो है जोन यहाँ पे दिक्कत देने वाला है। और यहाँ पे टीम नंबर 5 अभी रोटेशन करते हुए हमें दिखा देगी, ये यहाँ पे क्या टीम नंबर 23 इनको भी यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए दिखा देगी। काफी बढ़िया यहाँ पे एक एम का स्प्रे मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ कर यहाँ पे नॉक कर दिया गया। यहाँ पे टीम नंबर 5 के एक प्लेयर को नॉक कर दिया, एक प्लेयर यहाँ पे एक एचपी से बचते हुए कामयाब। और यहाँ पे काफी बढ़िया टीम नंबर 23 के पास काफी टीम रोटेशन करी हो रही है, टीम काफी टीमों को यहाँ पे दिक्कत दे रही है। यहाँ पे जो एक प्लेयर यहाँ पे बचा है टीम नंबर 5 के वो अभी भी जो है यहाँ पे एक अकेले हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और मेरे को लग रहा है यहाँ पे टीम नंबर जो डेविल और जो बॉल लॉर्ड थे वो यहाँ पे जोन से साथ फिनिश आउट हो चुके हैं। अब केन अकेले बचे हैं, अब केन को अकेले यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि केन अपनी टीम को यहाँ पे कितनी देर यहाँ पे संभाल पाते हैं, कैसे अपने जो टॉप में टीम को ला पाते हैं, क्योंकि जोन जो कट चुका है वो कट चुका है। स्कूल और पास में टीम नंबर 24 के ऊपर यहाँ पे पूरा का पूरा जोन कट चुका है, तो इनको अभी थोड़ा सा मे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काफी टीम्स यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे क्रैशिंग हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाले टीम नंबर 17 और टीम नंबर 11 के बीच यहाँ पे पूरा का पूरा जो ब्रट है वो यहाँ पे केन के ऊपर यहाँ पे नजर रखी हुई है, क्योंकि मे बी इन्होंने यहाँ पे स्पॉट कर लिया और M4 6X का इसमें भी स्प्रे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे पेन यहाँ पे इनके टीममेट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इजिली यहाँ पे रिवाइव होते हुए दिख रहे हैं, कोई यहाँ पे जल्दबाजी करे। यहाँ पे टीम नंबर 5 के प्लेयर यहाँ पे थे वो यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, पूरा का पूरा फिनिश आउट भी कर दिया गया उनको। टीम नंबर 17 यहाँ पे खेलती हुई थी फिनिशिंग के साथ, इनके जो प्लेयर यहाँ पे जस्ट बचने में कामयाब हुए। कैंपर जो है यहाँ पे थोड़ा सा इनको लो किया था, लेकिन जस्ट बच चुके हैं। बाकी टीम्स की यहाँ पे बात करें टीम नंबर 8 को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ चुका है, और टीम नंबर 8 के जस्ट एक प्लेयर बचा है, 3 प्लेयर यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश आउट हो चुका है। इनको अब पार्ट्स में थोड़ा सा यहाँ पे घर की तरफ आ चुके हैं, तो मे बी थोड़ा सा इनको अभी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे काफी टीम से हमें रोटेशन कर रही है, जो दिक्कत होने वाली टीम नंबर 23 को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सामने की तरफ है जी टीम लियो की, यहाँ पे वो इनको इजीली यहाँ पे रोटेशन नहीं देने देगी, लेकिन उनको भी यहाँ पे रोटेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे टीम नंबर 17 यहाँ पे जो 11 है वो यहाँ पे रोटेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे नॉक हो चुका है एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुका है। टीम नंबर 11 पूरा पूरा क्रैश आ चुका है, एक एचपी यहाँ पे बचते हुए गेंदा, लेकिन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे ब्रस्ट है वो यहाँ पे काफी बढ़िया होल्ड करने की कर रहे हैं कोशिश, देखते हैं कितनी देर यहाँ पे होल्ड कर पाते हैं। यहाँ पे 2 प्लेयर ऑलरेडी टीम नंबर 11 के हो चुके हैं नॉक इजिली, मे बी टीम नंबर 22 के पीछे भी यहाँ पे रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी ये दिक्कत दे सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो टीम नंबर 23 को दिक्कत हो गई, 2 प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, और यहाँ पे लियो के गोला को यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश की, और यहाँ पे फिनिश आउट कर देंगे इजी अपने जो खाते में किल ले लिया है। अब टीम नंबर 11 के जो 2 प्लेयर है वो यहाँ पे स्मोक में यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव करने के लिए, लेकिन इनको जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो जोन स्टार्ट होने वाला है, हेलो पाजी आ गया? हाँ पाजी आ तो यहाँ, वो गेम ग्लिच हो रहा है ना, ये बार बार ये क्या इधर रेंडर नहीं क्लियर दे रहा है। कोई नहीं, आप करो मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं करो। हाँ मेरी वो आज थोड़ी हो रही है ना, मतलब वापस आ रही को। यहाँ पे टीम नंबर 21 के जो प्लेयर यहाँ पे स्प्रे मारने की कोशिश करें, थोड़ा सा किल चुराने की करेंगे कोशिश, क्योंकि सामने की तरफ काफी जो है बढ़िया यहाँ पे टीम्स बैठी हुई है, तो इजीली यहाँ पे किल हो सकते हैं। टीम नंबर 17 के प्लेयर नॉक हो चुके हैं, और मेरे को लग रहा है इजीली फिनिश आउट हो जाएंगे।
यहाँ पे बिल्कुल अगर टीम नंबर 11 को भी यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामने की तरफ टीक और यहाँ पे पूरे पूरे बचे, और यहाँ पे एक और जो है दो प्लेयर जोगिंदर और उनके साथ कैंपर भी यहाँ पे बैठे हुए। यहाँ पे निर्माण की कोशिश की क्या कि ये कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मॉल ही थी बचने में कामयाब होगा। टीम नंबर 18 यहाँ से रोटेशन करते हुए दिखाई दे रही है, सामने की तरफ क्रैशिंग कर देखने को मिल सकता है घर की तरफ, लेकिन मे बी अपार्ट की तरफ यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ओपन में यहाँ पे बग्गी घूम गई है, और यहाँ पे क्या इसके ऊपर से स्प्रे हमें देखने को मिल सकता है क्या, टीम नंबर 15 का यहाँ पे बच चुके हैं, जस्ट यहाँ पे बचने में कामयाब है टी लियो के जो टीम के प्लेयर ओपन में यहाँ पे रुके थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रशिंग कर दिया। टीम नंबर 19 को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे टीम नंबर 19 के जो प्लेयर यहाँ पे लो एच बी के बचे, अगर रशिंग करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी जो है हमें रिवाइव जो है हिली करते हुए दिख चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 17 के एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है, यहाँ पे फिनिश आउट भी हो चुका है। टीम नंबर 11 पूरा पूरा अग्रेशन पे आ चुकी है, और यहाँ पे हमें जोन में रोटेशन देती हुई दिख सकती है। अभी तक यहाँ पे डैमेज हुआ, लेकिन यहाँ पे गलती यहाँ पे जरा सा भी कनेक्ट हुआ स्प्रे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे टीम नंबर जो 17 के एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। यहाँ पे मौली के साथ हमें मेरे को लगा फिनिश आउट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट रिवाइव हुए थे, लेकिन यहाँ पे कैंपर अभी भी बचे हुए हैं भाई, मौली के बीचों बीच थे लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है बच चुके हैं, कहते ही अग्नि परीक्षा ले ली इनके। यहाँ पे मेरे को लग रहा है टीम नंबर 12 के प्लेयर जो है यहाँ पे अपार्ट में थोड़े से यहाँ पे इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी नेट जो है इनके ऊपर यहाँ पे आ रही है। कैप्टन पाजी थोड़ा देखना, मेरे को इको हो रही है थोड़ी सी आवाज, मैंने देख लिया है, लेकिन वो थोड़ा सा ना डब डाउन अप डाउन कर दिया है, वो पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है थोड़ा। कोई नहीं, आप कह लो, चलो कोचिंग यहाँ पे टीम नंबर 20 पूरा पूरा अग्रेशन करने की कोशिश करे, टीम नंबर 12 के प्लेयर आगे की तरफ यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे इनको जोन से बाहर अगर गए तो इनको लो हो जाएगा, थोड़ा अग्रेशन दिखाते हुए टीम नंबर 20 यहाँ पे इनके भी एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। मे भी इनको जो है पीछे की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग स्प्रे यहाँ पे टीम नंबर 24 जो है इनको बैक स्टेप कर सकते, थोड़ा सा लॉन्ग स्प्रे हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इनको जो है ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके 21 ही मीटर जोन पे, और बाकी की टीम्स का फिर से जोन कट चुका है। यहाँ पे टोटल 8 टीम्स यहाँ पे बची हुई है, तो हो सकता है कि इनको थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना पड़े, लेकिन अब देखते हैं कितनी देरी है जो टीम्स हमें होल्ड करती हुई दिखाई देती है। अब सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे स्मोक मार चुका है स्पार्क की टीम, टीम नंबर 15 वो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो जोन के बाहर है, और ऊपर की टीम नंबर 20 भी थोड़ा अगर की दरवाने की कोशिश करी, शैक के पास आ चुके हैं एक प्लेयर शार्क, तो यहाँ पे टीम नंबर 8 जो है अभी भी अकेले बचे हुए हैं, यहाँ पे टॉप 8 तक लाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन स्पार्क की टीम इनके ऊपर पूरा का पूरा रशिंग करने वाले, क्योंकि ये ही गारा जो कि जोन में, और यहाँ पे क्रैशिंग कर दिया स्पार्क की टीम में, क्या ये टीम नंबर 8 के प्लेयर यहाँ पे होल्ड करवा पाएंगे, यहाँ पे पूरा पूरा, और मेरे को लगा यहाँ पे स्पॉट भी कर लिया, और यहाँ पे स्प्रे मारने की कोशिश की थी, लेकिन बचे में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अगर बाहर की तरफ कूदे तो ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे नॉक हो जाएगा। यहाँ पे टीम नंबर 15 रशिंग कर दिया, टीम नंबर 8 पूरी की पूरी वाइपआउट हो चुकी है, काफी बढ़िया अग्रेशन टीम स्पार्क ने यहाँ पे दिखाया, लेकिन यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे जो पोगो यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है, मेरे को लग रहा है बाहर की तरफ नॉक हो चुका है, क्या रिवाइव हो पाएंगे, यहाँ पे स्मोक मारने की कोशिश करें, टीम को यहाँ पे पूरा का पूरा स्मोकी स्मोकी एरिया कर दिया। टीम नंबर 20 के प्लेयर यहाँ पे दो नॉक हो चुके हैं, और यहाँ पे जोन में जाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरे जो स्पार्क एरिक ने यहाँ पे फायदा उठा लिया, रॉट ओपी को फिनिश आउट कर दिया, और यहाँ पे जो एक और प्लेयर यहाँ पे जस्ट हैंग अकेले एक एचपी के बचे, अगर ये स्मोक खत्म हो गया दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे कर लिया स्पॉटेड इजी, यहाँ पे एरिक ने स्पॉट कर लिया, और एरिक यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे जो हमें स्प्रे मारते हुए दिखे, पूरी की पूरी टीम नंबर 20 को यहाँ पे फिनिश आउट कर दिया गया। ये टीम कल जो 10 फिनिश के साथ काफी एग्रेशन पे आ चुके हैं, लेकिन पीछे की तरफ देखें तो अभी भी लियो अक्षत अभी भी हीलिंग फाइट करते हुए, इनका टीम के ऑलरेडी यहाँ पे प्लेयर नॉक हो चुके हैं, टॉप 4 में लाने में कामयाब हो चुका है, 10 फर्स्ट एड किट्स है, तो मे भी हमें काफी जो हीलिंग फाइट में भी इनके द्वारा हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी 4 टीम्स बची हैं, एक प्लेयर यहाँ पे टीम नंबर 12 के 17 के, एक प्लेयर टीम नंबर 11 के, जोन में यहाँ पे जो है कॉर्नर पे यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेकिन जोन जो कट है ना तो बीच में कट है काफी टीम्स का, टीम नंबर 17 के देखो तो इनको 5 मीटर आगे की तरफ जाना पड़ेगा, टीम नंबर 11 को देखे तो यहाँ पे 18 मीटर इनको जोन में जाना पड़ेगा, और स्पार्क की टीम को टीम जो 20 मीटर यहाँ पे जाना पड़ेगा, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पे दिखाती है, क्योंकि काफी जो है अभी इनको 4 टीम्स बचे हुए हैं, तो मे भी थोड़ा टीम नंबर 17 यहाँ पे प्लेयर यहाँ पे फिनिश आउट हो चुका है, यहाँ पे अकेले यहाँ पे टीम नंबर 11 के प्लेयर यहाँ पे जो फिनिश आउट हो चुके हैं, अक्षत और टीम नंबर 15 के बचे लियो के अक्षत के जो है यहाँ पे टॉप 2 में लाने में कामयाब हो चुके हैं, हीलिंग फाइट अभी करे 4 फर्स्ट एड बचे हुए हैं, लेकिन जो होना भी है तो इनको मे भी यहाँ पे जो दो दूसरे पोजीशन पे मे भी यही इनको पोजीशन होने वाले हैं, क्योंकि अभी काफी जो है जोन यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं है, तो स्पार्क की टीम अभी भी यहाँ पे जोन में बैठी हुई है, और अक्षत काफी दूर है, तो मे भी हीलिंग करते करते हुए ये जोन में मे भी जा नहीं पाएंगे, तो मे भी देखते हैं कितनी देर तक ये जो है लास्ट फर्स्ट एड यहाँ पे लगाते हुए फिनिश आउट हो चुका है, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा सा देखने को जो है यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जोन से यहाँ पे जो है स्पार्क फिक्शन जो है यहाँ पे नॉक हुए थे, लेकिन यहाँ पे काफी बढ़िया स्पार्क की टीम यहाँ पे 6-2-8, 8-5 यहाँ पे 13 फिनिशिंग के साथ स्पार्क की टीम फर्स्ट चिकन डिनर यहाँ पे ले चुकी है, और सेकंड प्लेस पे यहाँ पे जेएसएन
जो टीम यहाँ पे आ चुकी है 3, 5, 8 फिनिशिंग के साथ, और सेकंड यहाँ पे जो प्लेस पे आई है केओ की टीम यहाँ पे जो कि 3 फिनिशिंग के साथ काटे जहर वाला मैच यहाँ पे। और बाकी के टीम्स के जो पोजीशन है और किल से वो ये रहे गाइस, एक नंबर जोन जो ओपन में बना हुआ जहर वाली फाइट हमें जो देखने को मिली ना, काटे जहर वाली। तो गाइस अगर मजा आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, किस बात का कर रहे हो बेट। और पाजी हो गया पाजी, अब तो ये गेम दिक्कत ही कर रहा है। अब सॉरी गाइस, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये गेम का ग्लिच हो गया है। मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि गेम के अंदर कुछ इस तरीके का गेम प्लान आप लोगों को देखना पड़ा, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि आज जो है मैं भी बहुत ज्यादा गेम के जो नशे है ना एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन फिर भी जो है गेम ने इस तरीके का ग्लिच यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत बहुत ही ज्यादा होती हुई दिखाई मुझे दे रही है। मैंने रोलिंग के साथ साथ स्टार्ट भी करने की कोशिश की, काफी कुछ मैंने करा क्या कहते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे का सामना मुझे करना पड़ गया ये, क्योंकि स्ट्रीम प्रॉपर चल रही है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, बस गेम के अंदर ग्लिच की प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व नहीं हो रही है। ये गेम करते क्या ही बोले, तब तक नशे ना हो ना इसके, इसको गाली ना पड़े तब तक ये मानती नहीं गेम। गाइस मुझे आई थिंक सो मुझे एक दोबारा से शायद शुरू करना पड़ सकता है स्ट्रीम को, या तो क्योंकि इसके अंदर मुझे लग रहा है कि गेम का कुछ गलत यहाँ पे हो सकता है, क्यों बाजी क्या कहते हैं? सही बात बाजी, आप एक बार रिस्टार्ट कर लो, मे बी बाद में दिक्कत ना हो। रिस्टार्ट तो मैंने कर लिया है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, तो गाइस मैं आपको दोबारा से एक स्ट्रीम का लिंक दोबारा से दूंगा, आप लोग वहां पे मेरे से ज्वाइन कर सकते हो, मे भी देखिए चाहे ठीक मिल जाए, अब देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, बाकी भाई गेम का जैसी मर्जी। तो सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं इस स्ट्रीम को यहीं पे एंड करता हूं, और नेक्स्ट स्ट्रीम पे आपको मिलता हूं, आप दोबारा से इसको करने की कोशिश करता हूं, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा थोड़ा सा। कोई ना कोई ना पाजी, आप आराम से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि अभी 40 हुआ तो अभी आईडी पासवर्ड भी आएगा। तो मैं आपसे दोबारा पाजी अभी मिलता हूँ, या इसी को देख लूंगा कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो अगर ये हो जाता है तो बेसिकली एंड करने की अभी मैं जरूरत नहीं सोच रहा हूँ कि एंड ना हो बस, क्यों? चलो कोई ना पाजी, कर लो आप चेक कर लो। चेक तो कर ही लिया है, लेकिन आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड गाइज, आई एम रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस गेम, क्योंकि इसने मतलब क्या ही कुछ कहने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं, और क्या ही कह सकता हूँ, मतलब जय बात पाजी, क्या ही बोले, लग रहा था सीईओ हमें बनना। स्ट्रीम की वजह से गेम के ग्लिचेस कुछ ऐसे थे कि उसको सॉल्व आउट नहीं हो पाया वो, और देखते हैं क्या होता है क्या, क्योंकि मैंने अब दोबारा से गेम वगैरह सब रीस्टार्ट भी करा, और साथ के साथ गेम को अगर मैंने सही भी करने की कोशिश करी, क्योंकि गेम के ग्लिच जो है वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत कुछ मैंने ट्राई करा, रीस्टार्ट भी कम से कम 2 बार करा, आप लोगों ने चेकआउट करा, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, क्या कहने लायक बचा ही नहीं इस गेम की वजह से। मैंने इतना एक्साइटेड था कि आप लोगों के साथ जुड़ के और बेटर के हम लोग करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, बट आई एम स्पीचलेस नाउ। पाजी आवाज आ रही है मेरी? पाजी लगता है हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, और कोई नहीं, अब बीच में दोबारा से चलते हैं क्या इधर रूम के अंदर, और देखते हैं कि वहाँ पे कितनी टीमें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि ऑलमोस्ट मैं बस इतनी आशा करूंगा कि ये गेम अब प्रॉपर चलता रहे, और आप लोगों को जितना बेटर हो सकता है अच्छा गेम प्ले हम मैं देने की यहाँ पे कोशिश करूँ। गेम का ग्लिच गाइस थोड़ा सा आप लोग ये करिएगा कि बस दुआ कीजिएगा गेम का ग्लिच कुछ ना हो, जिसकी वजह से दिक्कत ना हो जाए हमें।
हेलो पाजी। हेलो हेलो पाजी, पाजी मेरा नेट गया, कत्ते सांस ही छोड़ दी उसने। हो जाता, आ जाओ फटाफट से रूम में आ जाओ। तो पाजी, मेरा नहीं मेरा तो चल ही नहीं रहा है अभी, फोन से आया, फोन वाले नेट से आया हूँ मैं इधर। ओहो, मेरा पूरा पीसी ऑफ पड़ा है वाईफाई के बिना। आज जो है मतलब सब कुछ जो होना है वो आज ही होना है, मतलब है। सही भाई, अगर आज नेट नहीं आया ना, मैं कंपनी वालों को फोन करके जो मैं कल सुनाने वाला हूँ ना भाई, वो रो देंगे मेरे। सच में ऐसे नहीं जाता है, आज पता नहीं कौन से नशे में आ गया, नेट कत ही चला गया पूरा ही। आ भी नहीं रहा और जरा भी नहीं आ रहा है, सांस ही छोड़ दिया। रीस्टार्ट करके देख लो राउटर एक बार। तो गाइस जैसे मैं बात कर रहा था कि आई होप सो कि जो शेनॉक का मैच है ये प्रॉपर हमें मिल सके तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, और मुझे भी अच्छा रहेगा कि हम लोग कास्टिंग लेवल को और ज़्यादा बेटर लेके जा सकें, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स ऐसे हैं मेरे जो मेरे से बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं कि गेम पर बहुत ज़्यादा या कास्टिंग बहुत अच्छे लेवल की मिलेगी। लेकिन क्या ही कर सकता हूँ कि इसके अंदर क्या दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गेम के ऐसे नशे मुझे आज तक समझ में नहीं आते। कि क्योंकि एक दो स्ट्रीम पहले भी मैंने देखा था कि कई प्लेयर्स की टीम पाजी एक दो दिन पहले वो गेम में भी नहीं अंदर आ पाई और उनका गेम ही नहीं स्टार्ट हुआ कस्टम में। और ऐसी चीज़ें मतलब मैंने भी देखी, उन टीम्स ने इतना डिसअपॉइंट दिखाया कि हम लोग इतना अच्छे से गेम प्ले खेलने के लिए आते हैं और ऐसा अचानक से हमारे साथ ये हो रहा है गेम की वजह से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वो लोग। तो गाइस कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ हो गया आज, आप लोगों ने देखा। और कभी कभी जो रेंडर की प्रॉब्लम है कभी तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। हुआ पाजी, सही हो गया? हेलो पाजी। नहीं पाजी, मैं वो ही बात कर रहा वाईफाई को। हेलो हेलो, आवाज आ रही? हाँ आ रही, प्रॉपर आ रही। हेलो पाजी, हाँ हाँ आज आ रही पाजी, आ रही। पाजी रिस्टार्ट कर रहा पर नहीं चल रहा मेरा ऑटो, तो पूरा पीछे से बंद हो गया। हाँ अभी फोन करेंगे तो रात को, वैसे ही कोई नहीं उठाए। देख लो, ट्राई कर लो, हो जाना चाहिए, पीछे से हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई हो, सब आज ही होना है। पैसे बोलते ना लगने तो चारों साइड से लगते हैं, ग्लिच भी आज ही हो लो भाई, नेट भी आज चालू चारा नहीं चलता मेरा नेट, ये तो अभी भी फोन से नेट से जुड़ा हूँ यहाँ पर।
आज मेरे को लग रहा है आपको केलर करना पड़ेगा। अरे गेम भी अगर चालू हो तब ना वाली बात है ना पाजी। अच्छा आपके गेम नहीं हो रही चालू? नहीं गेम तो चालू हो रही है लेकिन अब पता नहीं आगे चलेगी नहीं चलेगी, समझ नहीं आ रहा है आज ग्लिच का मोमेंट। मैं सोचा स्ट्रीम बंद कर दूं आज, कोई दूसरा अगर कर लेता है तो। दोनों की आपके भी मेरी टाइप है भाई, सच में किस्मत भी क्या ही बोले। इधर और नेट है नहीं बनना बीएसएनएल वालों को, तो भाई फोन ना भाई उठा के निकल लो बोरा बिस्तरा है नहीं इधर। सही बात है, सही बात है।
तो गाइस आई एम बैक नाउ और देख लेते हैं जो थोड़ी सी बैक में जो दिक्कत हुई थी वो गेम के ग्लिच की वजह से हुई, हम लोगों ने भी उस पर बात करी है काफी। और मोस्ट प्रोबेबली मैं तो यही कहूंगा कि अब ग्लिच ना हो तो आप लोगों को बेटर गेम मैं देने की और कास्ट करने की पूरी कोशिश आप लोगों को दूंगा यहाँ पे। और कोई अब बाकी नो गॉड नोज एवरीथिंग कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि बर्निंग पाजी का भी थोड़ा सा वहाँ पे इशू हो गया है फिलहाल, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश हम लोग करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो पाजी अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, आप देख लो तो फिर हम लोग फिर जुड़ जाएंगे क्या कहते हैं दोबारा से। हाँ जी, हाँ जी पाजी, ठीक है, हाँ जी, चलो आप करो तब तक ना पाजी, अगर आया नेट आ गया तो मैं कब आया। बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन करना यहाँ पे, फ्रिक्वेंटली ज्वाइन कर लेना, मेरा गेम तो आप हो ही, गेम में तो हो ही फिलहाल तो। हाँ जी, ओके। गाइस आप लोग एक समय देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 8:02 यहाँ पे हो चुके हैं और गेम यहाँ पे शेनॉक का कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। इरेंगल का मैच तो आपने बर्निंग आउट पाजी के उस पर भी देख लिया होगा स्ट्रीम पे, और फिलहाल यहाँ पे अगर कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बस गेम प्ले का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो और ज़्यादा बेटर गेम प्ले हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब बस देखना इतना बाकी है कि आप लोग प्रे टू गॉड कि गेम ठीक चले, कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे फेस ना हो। बेटर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और सबके लिए, आप लोगों को भी जितना बेटर मैं देखना चाहूँगा मैं दे सकता हूँ। तो गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा बस वहाँ पे क्लियरेंस हो जाए और गेम प्ले में दिक्कत ना हो तो मैं दोबारा से यहाँ पे कम बैक करने की पूरी कोशिश करूँगा। गेम तो अभी स्टार्ट हो गया है गाइस, लेकिन फाइनली बस अब ये देखना है कि ग्लिच कुछ ना हो, रेंडर प्रॉपर चले तो यहाँ पे गेम और ज़्यादा बेटर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, और बाकी का देखते हैं, गॉड नोज कि अगर ये बेटर हो जाए तो और ज़्यादा ही मज़ा ही आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है। फ्लाइट पास देख सकते हैं यहाँ पे टीमें हमारे साथ यहाँ पे आगे की साइड पे आती हुई दिखाई दे चुके हैं, और टीमें यहाँ पे जो है अभी इसका जो है काउंटडाउन भी शुरू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बाकी की टीमें जो यहाँ से आने की कोशिश करती हुई हमें नज़र आ रही हैं, तो ऑलमोस्ट टीमों का यहाँ पे ग्लाइड होता हुआ नज़र आएगा जरूर, क्योंकि बेहतरीन गेम प्ले हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। ओस्टी की टीम का भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई देने वाला है, तो फाइनली आप देख सकते हैं काफ़ी टीमें अलग अलग जाने की कोशिश कर रही हैं, और स्टोन की टीम भी ऊपर जाकर मुंगाई की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और साथ के साथ बीओ की टीम जो हमें दिखाई देगी वो दिखाई देगी पैराडाइज की तरफ जाती हुई, और बाकी की टीमें भी थोड़ा सा अलग अलग लेवल पे जाने की कोशिश करते हुए हमें नज़र आने वाली हैं। तो बस थोड़ा सा ये देखना है कि टीम्स यहाँ पे कितना ज़्यादा ही अग्रेसिव दिखा पाते हैं और गेम किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं, और मिड ऑफ द जोन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे KO के एक्को की टीम का यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, KO की टीम के हमें दिखाने वाले पेन यहाँ पे सुमैक्स भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे विग्रेस भी दिखाई देने वाले हैं, XLR8 भी हमें देखने को यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक गेम प्लान हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है बस। और मिड ऑफ द जोन के अंदर आता हुआ, हाँ ब्रो मैंने रीस्टार्ट करा था और ये जो है गेम का ग्लिच हो रहा है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, कैश मेमोरी वगैरह भी सब कुछ क्लियर कर ली, गेम स्पीड रीस्टार्ट करके सब कुछ कर लिया मैंने, निंजा लॉसन वाईओएफआई, तो अब देखते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा और बेटर हमें देखने को मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है मे बी। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, केन ने यहाँ पे दिक्कत देती हुई सामने वाले हाथिन के अंदर गेम प्ले हमें यहाँ को दिखा दिया है, और एक प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है, तो ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं इस समय यहाँ पे वी टू की डब्ल्यू भी हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ के साथ दिखा दे रहे हैं NBD के यहाँ पे वर्ल्ड भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम किस तरीके से हमें देखने को यहाँ पे मिलता है।
गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख रहा हूँ अभी, क्योंकि ये रीस्टार्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, लेकिन आज गेम का कुछ ग्लिच कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं कह नहीं सकता आप लोगों को कि, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, अगर गेम प्ले मिलेगा तो मैं आपको पूरा एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। कि थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है सबके साथ भी हो रही है, बर्निंग आउट पाजी के साथ भी हो रही है, और गेम का भी आज जो थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने को मिल रही है, पता नहीं। लौड़े कैंपर एसटी कैंपर मोसड़ी के गेम थोड़ा सा और यहाँ पे बस बन जाए तो और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस गेम यहाँ पे स्टार्ट होना हो जाना चाहिए। एक बार रीस्टार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ गाइस, तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए आप लोगों से मैं, क्योंकि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये गेम क्या है, सब कुछ कैश वगैरह सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे, उसके बाद भी गेम की ये इस तरीके की बिहेवियर है आज, मैं मतलब नहीं कुछ कह सकता, तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से, और अब क्या ही कर सकता हूँ, अब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ, क्योंकि अब यहाँ पे अब बाकी की जो है गेम प्ले अगर अच्छा चल गया, थोड़ा सा बेटर हो गया, रेंडर की पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है आज, क्योंकि बाकी देखिए हम लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी करे हैं, दो दो तीन तीन टूर्नामेंट्स हम लोगों ने करे हैं, दो तीन तीन मैचेस हम लोगों ने कर रखे हैं, उसके बाद भी आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे आज तक फेस नहीं हुई है, और टीडीएम के भी परफेक्टली कितने टूर्नामेंट्स भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करे हैं, और गेम प्लान हम लोगों ने दिखाया भी है, तो वहाँ पे ये जो कस्टम रूम का जो ग्लिच है ये आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, तो बस यही है कि मैं आप लोगों से ये कहूँगा